हाय दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो। मैं आ गया हूं गैलेक्सी स्टार पर नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है वो आरएफ के बारे में। अगर आरएफ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देना। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये है आरएफआईसी। ये जो वीडियो है ये आरएफआईसी के बारे में। ये है आरएफआईसी। मोबाइल के बोर्ड में देखेंगे तो ये वाला है आरएफआईसी। इसका काम है पीएसए जो सिग्नल आता है उसको ये प्रोसेस करता है, और भी कुछ फिल्टर है वो फिल्टर भी करता है करके वो सिग्नल वो सीपीयू को भेज देता है। अगर इसका डायग्राम हम देखेंगे तो आएगा, ये वाला है इसका डायग्राम। सीपीयू से कुछ कनेक्शन जुड़ी होती है, पावर एम्पलीफायर से जुड़ी होती है, पीए से जुड़ी होती है यानी एंटेना स्विच से। दोनों कनेक्शन के बीच में जो छोटा सा फिल्टर है वो अगर ख़राब हो गया, आड़े ठीक से काम नहीं करेगा, वो फ्रिक्वेंसी को कैच नहीं कर सकते। ये आईसी के बदलने से पहले इसके साथ और भी कंपोनेंट रहता है उसको चेक कीजिए, उसके बाद ही इसको चेंज करना बेहतर होगा। ये आप देख रहे हैं जो पहले मैंने एक वीडियो में बताया कि आरएक्स टीएक्स का जो सिग्नल होता है उसको फिल्टर करता है, पीए वाला जो वीडियो, तो उसमें आरएक्स और टीएक्स का जो सिग्नल है, इधर आरएक्स का सिग्नल आता है, इधर टीएक्स का सिग्नल आता है, और रिसीवर ट्रांसफर दोनों ही करता है। ये वाला जो सर्किट है इसको आप मीटर से चेक कर सकते हैं कंपोनेंट को कौन सी वोल्टेज आती है। तो दोस्तों अगर आपके पास बड़ी सी सर्किट होगी तो समझ सकते हैं, वो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगला कोई वीडियो में हम इसका पूरा सर्किट दिखाएंगे। तो चलिए जो आईसी है इसके बारे में समझ गए होंगे। इसका काम है दोनों सिग्नल को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, भेजना। ये वाला अगर ख़राब हो गया कोई सिग्नल नहीं दिखाएगा यानी कोई फ़ोन काम नहीं करेगा, सिर्फ उसका जो टावर सिंबल है। अगर आप ठीक से समझ गए होंगे आरएफ का काम क्या है, हमारे साथ बने रहिए।